Good morning, guys. Welcome to our channel. She is Pooja. And he is Prashant. कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हो, खुश हो और अपने घर पे हो। आप सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं अपने घर पर? अगर नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दीजिए और अपनी हेल्थ का अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। आपको पता है कोरोना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो इस कोरोना में हमें हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो लंग्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपको बहुत ही दो सिंपल एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करेंगे जो हम डेली करते हैं। ये दो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी आपके लंग्स के मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में, प्लस आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में। सो चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज की ओर। आपका डेली रूटीन जो भी है उसमें ये दो सिंपल एक्सरसाइजेस आप जरूर ऐड कीजिए, इट्स रियली हेल्पफुल। ये एक्सरसाइज बच्चों से लेके बूढ़ों तक कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकते हो और कभी कहीं भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने खाना खाया हो तो खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही करना कोई भी एक्सरसाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये ब्रीदिंग टेक्निक का नाम रखा हुआ है कबड्डी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक्चुअली ये नाम हमने दिया है, इस एक्सरसाइज का कोई नाम वाम नहीं है, ये हमें हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था और ये एक्सरसाइज मुझे बहुत इफेक्टिव लगी, तो हमने चाहा कि ये एक्सरसाइज आपके साथ भी शेयर करें। सो गाइस, ये बहुत फनी एक्सरसाइज है, आपको इस एक्सरसाइज करने में बहुत ही मजा आएगा और ये बहुत यूनिक एक्सरसाइज है एक्चुअली, और बच्चों को भी बहुत मजा आएगा, बड़ों को भी बहुत मजा आएगा। और ये एक्सरसाइज करने के बाद में आपको मजा आया कि ये चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सीधे बैठिए, आपकी पीठ आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद कर दीजिए, एक आप लंबी और गहरी सांस लीजिए। जब आप लंबी और गहरी सांस लोगे तब आपको जस्ट 2 या 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, उसके बाद में कंटिन्यूस आपको कबड्डी 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 ऐसा बोलना है। आप तब तक आप बोलिए जब आप तक बोल सको। तो हम आपको एक डेमो देते हैं। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, एक गहरी सांस, कबड्डी 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 कबड्डी। आपको ये पूरी एक सांस में बोलना है। हो सके जब आप ये स्टार्ट करो तो आप इतना लंबे समय तक आप ना बोल पाओ। जब हम दोनों ने स्टार्ट किया था तब हम लगभग ये 20 से 25 सेकंड कर पाते थे, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स जब हमने प्रैक्टिस किया इसे
हम रोज़ाना इसको करते रहे, और आज के समय ऐसा है कि हम इसको 40 to 45 सेकेंड्स हम इसको कर पाते हैं। चलो हम चलते हैं अपने दूसरे एक्सरसाइज की ओर, खड़े होकर करते हैं। आपको ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज में सांस को इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। सांस को जब आप इनहेल करोगे आपको नाक से आपको सांस लेनी है, और जब आप सांस को बाहर निकालोगे तब आपको मुंह के दौरान सांस को बाहर निकालनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको कैसे इनहेल करना है एक्सहेल करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले ऐसे खड़े रहना है, जस्ट मेक श्योर कि आपके दोनों पैरों में आपके शोल्डर जितना ही डिस्टेंस है, एंड आपको इनहेल ऐसे करना है। एक्सरसाइज आपको 15 बार करनी है, 15 बार का आपको एक सेट, ऐसे आपको 3 सेट करने हैं, जिससे आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी, आपका ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी लंग्स की बढ़ेगी। गाइस हम एक चीज़ आप हमें शेयर करना चाहते हैं। देखो हमें फिजिकली तो स्ट्रांग रहना है, ये सभी को पता है, बट हमें उसके साथ ही साथ मेंटली भी स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। जैसे कि हम रोज़ न्यूज़ चैनल पे देखते हैं मॉर्टलिटी रेट इतना है या इतने कोविड केसेस आए हैं, इसके वजह से क्या होता है ना, हमारे माइंड में बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं, और निगेटिव थॉट्स की वजह से हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। वन ऑफ प्रशांत फ्रेंड हु इज ही सो मीज अक्षय, सो थैंक्स टू हिम, सो ही स्टार्टेड द कैंपेन, एंड कैंपेन नेम इज लेट्स स्प्रेड द पॉजिटिविटी। जैसे पूजा ने ऑलरेडी बताया है कि जहाँ हम न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया जब भी ओपन करते हैं तो हमें यही दिखाया जाता है कि आज कितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं या फिर आज मॉर्टेलिटी रेट कितनी है। इंस्टेड ऑफ दैट हम ये शेयर करेंगे आज हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर हमारे सोशल मीडिया पेज पर कि आज कितने पेशेंट रिकवर हुए हैं। वी ऑल्सो स्टार्टेड शेयरिंग दिस रिकवरी रेट ऑन आवर व्हाट्सएप स्टेटस। आप भी ये चीज़ कीजिए, सो दैट योर स्मॉल एफर्ट कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस इन समवन्स लाइफ। आजपासून आपण नवीन उपक्रम राबवूयात, तर उपक्रम नवा असा की दररोज बरे रुग्ण झालेले किती हा आपण मेसेज सगळ्यांपर्यंत पोचता करूया। तर आजच्या माहितीप्रमाणे जे स्टॅटिस्टिक्स मला मेसेजमध्ये आलेले आहेत, आज 3,993 रुग्ण जे कोरोनाग्रस्त होते आज रिकवर झालेले आहेत, म्हणजेच बरे झालेले आहेत। आपणसुद्धा सगळ्याही पॉझिटिव्हिटी हा पॉझिटिव्ह संदेश रोज नित्य उपक्रम म्हणून सगळ्यांपर्यंत पोचता करा, आणि जे रुग्ण बरे होतात आहे त्यांचा नंबर आकडा आपण टाका, स्टेटसवर ठेवा, आणि जे रुग्ण बरे झाले त्यांचा पण तुम्ही अनुभवसुद्धा शेअर करू शकता। थँक्यू, थँक्यू सो मच, धन्यवाद। सोच कर देखिए ना, अगर जब आप देखते हो कि अरे यार आज इतने लोगों की डेथ हो गई है, तो आपके मन में कितना बुरा लगता है कि बाप रे कोरोना की वजह से इतने सारे लोग मर रहे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये सुनोगे कि आज इतने सारे लोग रिकवर हुए हैं, तब आपका आपको पॉजिटिव ही थॉट आएगा। सो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है। न्यूज़ वगैरह ये सब कुछ दिखा रहे, ठीक है उन्हें दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे, तो उनके लिए ये चीज़ है ज़रूरी। बट जो बाकी के लोग हैं जो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये सारी न्यूज़ इसकी वजह से उन्हें बहुत निगेटिविटी भी आ सकती है, तो हम उनके लिए पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, और इसके लिए हमें आप सभी का साथ चाहिए। अरे हम तो आपको भूलेंगे सब्सक्राइब करने बोलना, सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को हिट कीजिए, उससे ही आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।